हेलो फ्रेंड्स, मैं शिनू आप सभी का हमारे चैनल इंडियन फूड में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट हार्ड बो। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप कर्ड, 1 कप सूजी, आधा कप बेसन, पिसी हुई लाल मिर्च, राई, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा, लाल हरी मिर्ची, कुछ सब्जियां ली है जिसमें मैंने गोभी और शिमला मिर्च लिए, छोटी काट ली है इसको। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं। ये मैंने रोस्टेड मूंगफली के दाने लिए हैं, इसके डालने से इसमें क्रंची टेस्ट आने लगता है। उसको कड़ी पत्ता लिया है मैंने, ये तिल के दाने लिए हैं और अदरक का पेस्ट लिया है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट हांड बो। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप कर्ड, 1 कप सूजी, 1/2 कप बेसन, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई छोटी छोटी शिमला मिर्च, छोटी कटी हुई गोभी, आप इसमें गाजर हो तो गाजर भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, और अदरक का पेस्ट। मैंने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे भुने हुए मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने डालने से थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आता है जो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो लोग हांड बो बहुत तरह से बनाते हैं, दाल और चावल से भी बनाते हैं, उसको टाइम लगता है बनाने में, ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप इसको फटाफट बना सकते हैं। इसका हम बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा गाढ़ा रखेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट या 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे इनो। 1 पैकेट इनो लिया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से इनो को मिला देंगे, इसको ज्यादा फेटेंगे नहीं, जिससे इसकी एयर बाहर निकल जाएगी। अब पैन रखेंगे गैस पे और इसको गर्म होने रखेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे जीरा, राई, और तिल के कुछ दाने। थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इसको थोड़ा अच्छे से भून देंगे। इस पैन में हम डालेंगे अपना हांड बो का घोल। और इसको अच्छे से इसमें फैला देंगे।
10 मिनट तक इसको ढक के रखेंगे और इसमें मीडियम आंच में इसको पकाएंगे। आप इसको बीच में चेक करके देख सकते हैं, देखिए कितना फूलने लगा है। अभी 10 मिनट हुए नहीं, हम इसको दोबारा 5 मिनट के रख देते हैं। अब हम इसको पलटेंगे। इसको पलटने के लिए हम गैस को बंद करेंगे, एक प्लेट में रख के इसको इस टाइप से पलट देंगे। देखिए इस साइड से कितने अच्छे से सिक गया है। अब हम गैस में दोबारा से पैन रखेंगे और ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, मैं फिर से हम राई के दाने डालेंगे। जीरा डालेंगे, तिल डालेंगे, और कड़ी पत्ता डाल देंगे। इसको अच्छे से भून देंगे और इसमें फिर से हम अपना हैंड वो डाल देंगे और इसको 5-6 मिनट के लिए फिर से ढककर रख देंगे। इसे सीख गया होगा। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी दूसरी साइड से भी देखिए बिल्कुल वैसा ही सीखा है और कितना अच्छे से बन गया है। हमारा हैंड वो बिल्कुल रेडी है। इसको पिज्जा की तरह हम कट करेंगे और सर्व करेंगे।